हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक अमर सर में। दोस्तों, NSC यानी नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, जो कि मिनी रत्न कंपनी है इंडिया की, ठीक है, उन्होंने नई रिक्रूटमेंट निकाली है। ठीक है, तो इसका IDV नंबर क्या है? एम्प्लॉय नोटिस RECTT/1/19/NSA/2019। ओके दोस्तों, ये वैकेंसीज किस किस पद के लिए है तो हम वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे है पहला डेप्यूटी जनरल मैनेजर, इसकी कितनी पोस्ट है? एक पोस्ट। ठीक है, असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1, इसकी कितनी है? चार पोस्ट। ठीक है, थर्ड है मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोडक्शन, इसकी कितनी? पांच पोस्ट। ओके दोस्तों, फोर्थ क्या है? मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की कितनी? पाँच पोस्ट। मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलप, ह्यूमन रिसोर्स कितनी है? दो पोस्ट। मैनेजमेंट ट्रेनिंग लीगल कितनी है? एक पोस्ट। ओके, मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल कितनी? पाँच पोस्ट। सीरियल ट्रेनिंग एग्रीकल्चर कितनी है? 49 पोस्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा है इसमें। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट क्या है? ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स सीनियर ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स कितनी है? पाँच। सीनियर ट्रेनिंग लॉजिस्टिक कितनी है? 12। ठीक है, ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल कितनी? 19। ठीक है, डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पद है। ट्रेनिंग एग्रीकल्चर के लिए कितनी है? 45। ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए कितनी है? 32। और ट्रेनिंग स्टोर के लिए 16। और ट्रेनिंग टेक्नीशियन जो है डीजल मैकेनिज्म 6 पद है। मैकेनिक मैन के लिए 3 पद, ऑटो इलेक्ट्रिशियन के लिए 4 पद, वेल्डर 2 पद है, और ब्लैकस्मिथ के लिए एक टोटल 16 पद की है भर्ती है। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट है ट्रेनिंग स्टोर इंजीनियर की 5 पोस्ट, के ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर के लिए 8 पोस्ट, और ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल के लिए है 7 पोस्ट। ओके दोस्तों, और ट्रेनिंग डाटा एंट्री ऑफिसर के लिए 3 पोस्ट, ट्रेनिंग मेट एग्रीकल्चर के लिए 18 पोस्ट। ठीक है, टोटल ये पोस्ट है और ये डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ठीक है, ओपन के लिए OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए। ठीक है, आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके डिटेल्स में देख सकते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे नोट में क्या दिया गया है? ठीक है, नोट में दिया गया कि ऑल द पोस्ट अदर देन डिप्यूटी जनरल मैनेजर को छोड़ के द पोस्ट इज लोकेटेड एट कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली में सारी पोस्ट है। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट क्या दिया गया है? इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए? इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए चाहिए MBA 2 ईयर, PG डिग्री, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर, और MSWMA, LLB, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट की मिनिमम 60% मार्क के साथ होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। ओके दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट है असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1। ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ, ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ मांगी गई है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग BSc एग्रीकल्चर प्लस MBA एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट है, और MSc एग्री विथ स्पेशलाइजेशन इन एग्रो सीड टेक्नोलॉजी। ओके, प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन दिया गया है। BSc एग्रीकल्चर प्लस MBA वाले ये फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। ठीक, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए मार्केटिंग के लिए चाहे BSc एग्री प्लस MBA मार्केटिंग और एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट फुल टाइम और 2 ईयर फुल टाइम PG डिग्री डिप्लोमा इन मार्केटिंग एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और MSc एग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स। ओके दोस्तों, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर MS ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स के लिए 2 ईयर का फुल PG डिग्री डिप्लोमा चाहिए होगा विद इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर वेलफेयर, ठीक है, HR मैनेजमेंट, और 2 ईयर फुल डिप्लोइ MBA HRM यूनिवर्सिटी 60% मार्क लीगल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट मिनिमम 55% मार्क दोज हैविंग LLM क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन लेबर लॉ, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, कॉपरेटिव लॉ करंट भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए MS आदि विथ स्पेशलाइजेशन एग्रोनॉमी सीड टेक्नोलॉजी, ठीक है, 60% मार्क।
दोस्तों सीनियर ट्रेनिंग के लिए एमएससी एग्री विद स्पेशलाइजेशन एग्रोनॉमी सीड टेक प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक विद मिनिमम 55% मार्क्स। ओके दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सीनियर ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स के लिए एमबीए एचआर टू ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन इंडस्ट्री रिलेशन पर्सनल मैनेजमेंट और लेबर वेलफेयर एमएसडब्ल्यू 55% मार्क्स। ओके 50% आपको मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। सीनियर ट्रेनिंग एमबीए के लिए क्या चाहिए, एमबीए मटेरियल मैनेजमेंट लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, ठीक है मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके सीनियर ट्रेनिंग के लिए क्या है, एमएससी एग्री। ओके नेक्स्ट क्या है, डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 55% मार्क्स गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड। ओके नेक्स्ट है ट्रेनिंग एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए, बीएससी एग्री 60% मार्क। ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए क्या चाहिए, बीएससी एग्री 60% मार्क। ओके नेक्स्ट है ट्रेनिंग एग्रीकल्चर स्टोर के लिए बीएससी एग्री 60% मार्क। ट्रेनिंग टेक्नीशियन डीजल मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिशियन बिल्डर, ठीक है आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए 60% मार्क। ओके नेक्स्ट है ट्रेनिंग स्टोर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी 60% मार्क। ओके दोस्तों नेक्स्ट है ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर के लिए क्या चाहिए, ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर के लिए चाहिए सीनियर सेकेंडरी एंड इक्विवेलेंट विथ 3 ईयर डिप्लोमा विथ ऑफिस मैनेजमेंट भी 60% मार्क्स स्टेनोग्राफी गवर्नमेंट। ओके नेक्स्ट है ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल के लिए बीएससी एग्री 60% मार्क्स। ट्रेनिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए चाहिए बीएससी कंप्यूटर साइंस आईटी। ओके नेक्स्ट है ट्रेनिंग में एग्री के लिए चाहिए इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट साइंस विद बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद साउंड पीजीसीएस, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों तो इसका ये पेमेंट देख लेते कितना होगा, ठीक है यहाँ पे लिखा गया है। ओके डिप्यूटी मैनेजर के लिए होगा 17,000 से लेकर 2,00,000 तक के पेमेंट रहेगा, ठीक है स्केल पे। फिर बेसिक पे 70,000, ठीक है और डीए 8.8% 6 में, ये सारा डिटेल में दिया गया है, ठीक है। असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 के लिए कितना है, 22,000 ठीक है 70,000 तक ये पेमेंट रहेगा, ठीक है। मैनेजमेंट निकल रहेगा 43,520 पर मंथ। ओके डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए रहेगा 23,936, ठीक है ट्रेनिंग के लिए रहेंगे 18,496। ओके और ट्रेनिंग मेट एग्री के लिए रहेगा 17,992। ओके दोस्तों ठीक है नेक्स्ट इससे एज लिमिट क्या दी गई है, एज लिमिट दी गई है डिप्टी जनरल के लिए 50 ईयर्स नॉट एक्सीडिंग, ठीक है असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 के लिए 30 ईयर्स, मैनेजमेंट ट्रेनिंग 27 ईयर, सीनियर डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए 27 ईयर, ट्रेनिंग के लिए 27 ईयर और ट्रेनिंग मेट के लिए 27 ईयर की है वैकेंसी दी गई है। और एससी के लिए पास आकर रिलैक्सेशन होगा, ओबीसी के लिए 3 साल का और पर्सनल डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन इसमें मिलेंगे। ओके एक सर्विस मैन को लेंगे 5 साल का रिलैक्सेशन। ओके दोस्तों ठीक है तो अभी इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा देख लेते हैं। ओके ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस फॉर डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए होगा और राइट एन एग्जामिनेशन शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है राइटिंग एग्जाम नहीं होगा। अप्लीकेशन शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द मीटिंग ऑफ रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है एक्सपीरियंस पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट स्टेज 1 विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली, दोस कैंडिडेट अलॉट पास पर्सनल इंटरव्यू। ओके दोस्तों ठीक नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए क्या होगा, राइटिंग एग्जाम का बेस्ड ऑन मेरिट राइटिंग एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर सेकंड थर्ड स्टेज के लिए बुला जाएगा। ओके और बाकी जो जगह है इनका भी राइटन एग्जाम होगा बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ठीक है एंड स्किल टेस्ट, उनको भी थर्ड स्टेज में बुलाया जाएगा। ओके पैटर्न का रहेगा एग्जाम का ओएमआर बेस्ड ऑप्शन एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ अप्लाई कैसे करना है आपको, ओनली अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है ओनली ऑनलाइन अप्लीकेशन भी कंसिडर। ओके दोस्तों ठीक है अभी इसकी एग्जाम आपको फॉर्म कब तक फिलअप करना है देखते हैं।
ओके दोस्तों, तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू होगा 19/1/2019 से लेकर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 9/2/2019। ठीक है, राइटन एग्जामिनेशन रहेगा 3/3/2019 को ये राइटन एग्जामिनेशन रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये पूरा नोटिफिकेशन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट समझ में आए और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।